वर्षों से हो रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन सी राशि होगी मालामाल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ इस सप्ताह का राशिफल लेकर। राशिफल जो आपको बताएगा हमें क्या करना चाहिए इस हफ्ते, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या शुभ होने जा रहा है और क्या हमें अशुभता प्रदान करने जा रहा है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे इस सप्ताह सोमवार से लेकर रविवार तक क्या क्या गुण खिलाएंगे ये आपके जीवन में। यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए हमारा साप्ताहिक राशिफल जो हर सप्ताह आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे आपके मार्गदर्शन के लिए, जिसके आधार पर आप अपने कर्मों को सुधार कर अपने कर्मों में सुधार लाकर अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं ही विधाता होता है। अगर वो दृढ़ संकल्प कर ले तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए परम सत्ता को प्राप्त हो सकता है। आप सभी के समक्ष हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इसके एक जीते जागते उदाहरण हैं। जीरो से शुरू होकर आज वो हमारे राष्ट्र के ही नहीं विश्व के हीरो बने हुए हैं। तो आइए हम सब नरेंद्र भाई मोदी जैसे कर्मयोगियों से प्रेरणा लेकर अपने भाग्य को परिवर्तित करने का प्रयास करें और अपने जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करें। तो इस विषय पर आगे चर्चा करने से पूर्व मैं आप सभी लोगों से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों ने मेरे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के यानी घंटी के बटन को दबाना, आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। अगर आप घंटी के आइकन को दबाएंगे तभी आपको हमारे जो नए नए वीडियो जो हम आप सभी लोगों के लिए बनाते हैं उनकी सारी जानकारी रिलीज होने के साथ ही उस वीडियो के आपको स्वतः ही आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाएगी। वृष राशि वाले जातकों के लिए चंद्र कुंडली पर आधारित ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार 5 अगस्त 2019 से शुरू होने वाला यह सप्ताह जीवन शक्ति में कमी देने वाला सप्ताह है। आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो काफी कमी महसूस करेंगे उसके अंदर आप इस हफ्ते के दौरान। अगर आपको कोई धन और संपत्ति पितृ पक्ष की ओर से मिलने वाली है तो उसमें भी रुकावट स्पष्ट रूप से महसूस होगी, कोई ना कोई अड़चन आकर बाधा पहुंचाएगी। भाई बहनों के इकट्ठा होने की संभावना अवश्य है लेकिन उस इकट्ठे होने के दौरान भी आपसी अनबन और कलेश स्पष्ट परिलक्षित होगी वहां पर, जिसकी वजह से तनाव में वृद्धि होगी, मानसिक रूप से आप अस्वस्थ महसूस करेंगे। घर पर आपका जो माहौल है वह आपको और ज्यादा अशांत महसूस कराएगा। जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए यह हफ्ता जो है अपनी भाई बहनों की मदद से आगे बढ़ने का हफ्ता है कि उनकी मदद लेकर वो शीघ्रता शीघ्र अपनी जो पढ़ाई लिखाई में जो रुकावट आ रही है, जो अड़चन आ रही है, उसे दूर करने में समर्थ होंगे और आगे की ओर अग्रसरित होंगे। जो प्रेमी युगल है उनके लिए भी यह एक अच्छा सप्ताह है, प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव वाला सप्ताह है, लेकिन फिर भी आप अपने प्रेम संबंधों को इस सप्ताह के दौरान भली भांति निभा पाएंगे। अपने जो पार्टनर है उसे
आप खुश कर पाने में सफल होंगे। बीमारी की दृष्टि से देखा जाए तो केवल जीवन शक्ति में जो आप कमी महसूस कर रहे हैं उसी की वजह से आपको अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस होगी, किंतु जीवन साथी की मदद से आप निश्चित रूप से अपनी आमदनी में वृद्धि कर पाने में समर्थ होंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंध जो हैं वो उतार चढ़ाव से भरे जरूर रहेंगे इस सप्ताह, लेकिन अपने जीवन साथी की बात मानने से निश्चित रूप से आपके धन में वृद्धि होगी। तो आप बिना किसी झिझक के जीवन साथी के सहयोग से जीवन साथी के अनुभव का लाभ उठाते हुए आप उनकी बात माने और अपनी आमदनी में निश्चित रूप से वृद्धि प्राप्त करें। इस सप्ताह आपको कोई बुरी खबर, किसी की मौत की खबर, आपके किसी परिचित की या दूर के रिश्तेदार की मृत्यु की खबर मिल सकती है, लेकिन दुर्घटना से सावधान रहने की सलाह दी जाती है कि आपके पैर में चोट लगने की जो संभावना है उससे बचें आप। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, चाहे वो आपके बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगता हो या उनके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते हो इस वजह से परेशान है, या नौकरी ना मिलने से परेशान है, या नौकरी प्रमोशन और बॉस की वजह से परेशान है, या व्यापार की वजह से परेशान है, या धन की कमी की वजह से परेशान है, या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या अगर शादी हो गई है तो शादी में ग्रह कलेश की वजह से परेशान है, या संतान ना होने की वजह से परेशान है, या व्यापार में हो रहे घाटे की वजह से परेशान है, या फिर आपके पास अपना मकान नहीं है या अपना व्यापार स्थल नहीं है उसकी वजह से परेशान है, या फिर आप अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की बीमारी की वजह से परेशान है, तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके हमारे लिए यानी गुरु रजनीश ऋषि के लिए, गुरु मां रुक्मणी जी के लिए या स्वामी राज ऋषि जी के लिए वीडियो कॉल बुक करा के उनसे अपनी परेशानियों के उपाय जान सकते हैं, जिन्हें करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में धीमे धीमे करके अभूतपूर्व परिवर्तन अवश्य आएगा, ऐसा अटल सत्य है। और उन सभी लोगों के लिए यह बात अटल सत्य साबित होती है जो व्यक्ति सनातन हिंदू धर्म में परमपिता परमात्मा में और नवग्रह देवताओं में असीम आस्था रखते हुए इन उपायों को सच्चे मन से करते हैं और करने के उपरांत फल देने के लिए परमपिता परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं, उन व्यक्तियों को निसंदेह इन उपायों को करने से अवश्य फल की प्राप्ति होती है। भाग्य की दृष्टि से और जॉब की दृष्टि से यह सप्ताह आपके अनुकूल नहीं है, तो ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें जिससे आपका पैसा नुकसान हो जाए, आपका पैसा खराब हो, आपकी इन्वेस्टमेंट व्यर्थ चली जाए और आपकी जमा पूंजी से आप हाथ धो बैठे। नौकरी में आप अपने सहयोगियों के साथ किसी भी प्रकार की वाद विवाद में ना पड़े, किसी भी प्रकार की उतावलेपन में पड़कर उनके साथ झगड़ा ना करें, रादर उनके साथ सहयोग करने की कोशिश करें। आपके इस सप्ताह के जो 5 अगस्त 2019 से 11 अगस्त 2019 तक के ग्रह गोचर की स्थिति को देखते हुए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने ऊर्जा में वृद्धि के लिए एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत की हुई शुक्र ग्रह की अंगूठी को, जो कि प्रॉपरली किसी योग्य विद्वान व्यक्ति के द्वारा मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत की गई अंगूठी को अपने सीधे हाथ की बीच की उंगली में धारण करें। इससे आपकी जीवन शक्ति में स्फूर्ति आएगी और आपकी जो आमदनी है वो निश्चित रूप से वृद्धि को प्राप्त करेगी। प्रिय भक्तगणों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपने ग्रह की दशा को सुधारने के लिए रतन की अंगूठी पहननी पड़ेगी, लेकिन यह रतन की जो अंगूठी या अंगूठियां हैं वह प्रॉपर तरीके से मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत होनी चाहिए, तभी वह अंगूठियां आपको फायदा देने में समर्थ होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने अभी आपको बोला कि ये अंगूठियां पहननी, आप दौड़कर सुनार की दुकान पर जाते हैं, वहां से अंगूठी बनवा कर पहन लेते हैं, फिर कहते हैं थोड़े दिन बाद गुरु जी मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ।
अरे भाई जब तक ये मंत्र सिद्ध नहीं होंगी, प्राण प्रतिष्ठित नहीं होंगी, जागृत नहीं होंगी, और इन अंगूठियों को मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करने वाले जो विद्वान हैं, आप समझ लीजिए उनकी जो गणना है, जो उनकी गिनती है, वो 1000 में से मुश्किल से 5 लोग, जो चाहे वो मंदिर में बैठने वाले हों या कोई आचार्य हो या कोई शास्त्री जी हो, उनकी गणना, जिन्होंने इन मंत्रों को सिद्ध कर लिया है, जागृत कर लिया है, वही व्यक्ति इन अंगूठियों को प्राण प्रतिष्ठा करने में सक्षम होते हैं। तो आप जब भी कोई रत्नों की अंगूठी अपने भाग्य के वर्धन के लिए या अपनी किसी भी प्रकार की परेशानियों को दूर करने के लिए बनवाएं, तो आप किसी योग्य और विद्वान व्यक्ति से ही उसे जागृत, मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। अगर आपको यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो आप बिना किसी झिझक के नीचे स्क्रीन पर जो हमारे नंबर आ रहे हैं, उन नंबरों पर हमसे संपर्क करके अपने लिए किसी भी प्रकार के रत्न की लेबोरेटरी से सर्टिफाइड कराकर अंगूठी, हमारे स्वयं के द्वारा मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत की हुई अंगूठी बिना किसी झिझक के पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हुए अपने घर पर मंगवा सकते हैं डाक द्वारा, या आप स्वयं यहां आकर, यानी शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली आकर स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी आप इस प्रकार की कोई अंगूठी खरीदें, अंगूठी पहने, तो वह प्रॉपर किसी विद्वान और योग्य व्यक्ति से, जिन्होंने इन मंत्रों को सिद्ध कर रखा हो, उसी व्यक्ति से प्राण प्रतिष्ठित, जागृत और मंत्र सिद्ध कराकर पहननी चाहिए। आज इस सप्ताह के आपके राशिफल को देखते हुए मैं आपको 10 में से 4 अंक देता हूं। आज की इस चर्चा को विराम देते हुए शीघ्र ही मैं आप सभी के समक्ष अगले हफ्ते का राशिफल लेकर पुनः प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।